हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुहम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल सुहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो क्लास टेंथ के हो या हो क्लास ट्वेल्थ के, सबके लिए आज की टॉपिक है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ये टॉपिक है, आपका प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के प्रकार और कैसे प्रोनाउन की गलती हम खोजते हैं, ये आपके देखने को मिलेंगे सिंटेक्स में। और साथ ही क्लास टेंथ में ये आपको मिलेगा कि कहां पे कौन सा प्रोनाउन फील किया जाएगा। तो एकदम हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखोगे, क्योंकि अंत में तक मैं बताने वाला हूं कि कहां पे कौन सी प्रोनाउन की गलतियां आपसे हुआ करती हैं। एकदम गलती से बचना है। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। हम देखिए, आते हैं प्रोनाउन। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को हम जानते हैं, प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन होता क्या है, लिखा है प्रोनाउन, यानी नाउन के बदले। सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नाम वाला शब्द, जिसको हम जो बुलाते हैं वही नाउन होता है। किसी भी वस्तु को जो बुला दिया हमने वो नाउन है। लेकिन जब किसी नाम को बुलाने से हम क्या होते हैं, बार बार एक ही नाम बुलाना अच्छा नहीं लगता है, तो हम ये ओ हे कुछ भी, यानी उसका नाम न लेके हम कुछ उसके अलग नाम लेते कि वह ऐसा है, यह ऐसा है। तो जब नाम के बदले किसी अन्य शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, यानी हमें नाम बार बार लेना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक, अब क्या होता है घर में शादी शुदा जब महिलाएं नई नई आती हैं, तो उन्हें एक सिखाया जाता है कि देखो अपने बड़े का नाम मत लेना, उनका नाम न लेना, तो या अपने पति का नाम न लेना। तो वो कहते हैं ना, ए जी, अरे वही, अरे ये, अरे उनके पापा। तो ये सब क्या हो जाता है, ये एक तरीका ही है कि नाम न लेके दूसरे का नाम, यानी किसी अन्य माध्यम ए ओ के, तो वही प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को अपनी भाषा में आप क्या कह सकते हो कि द वर्ड, द वर्ड, द वर्ड विच, द वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते थे कि प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, कि प्रोनाउन वह शब्द है जो क्या है, किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। तो किसी नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते वही प्रोनाउन होता है। अब यही प्रोनाउन किस किस प्रकार का होता है, देखो अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग टाइप बताया, कहीं पे आठ है, कहीं पे दस है, कहीं पे बारह है, चौदह, लेकिन वो इनमें से ही क्या किया गया है, सेपरेट किया गया, डिवाइड किया गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो देखने को मिलता है अधिक, क्या जो सबसे फिट होता है वह है आठ प्रकार के प्रोनाउन, कैंड साफ प्रोनाउन, ठीक है। आप बीच में बताऊंगा किस प्रोनाउन में से कुछ अलग करके बोला जाता है, ये भी आपको बताऊंगा। काइंड सा प्रोनाउन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है, वह प्रोनाउन जो किसी पर्सन यानी व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, जो किसी व्यक्ति वस्तु जीव के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के तीन भाग होते हैं, ठीक है, जिसको हम पर्सन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन के कितने भाग हुए, तीन भाग, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आप देखते हो, फर्स्ट पर्सन में भी इसके तीन भाग हो जाते हैं, सेकेंड पर्सन में भी और थर्ड पर्सन में भी क्या हो जाते हैं, ये देखिएगा आपके सामने ही टेबल भी बन गया, ठीक है।
ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के तीन भाग होते हैं, जिसमें एक होता है सब्जेक्टिव के, सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस, अगला होता है पॉजेसिव। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट होते हैं, आई होता है और वी होता है। आई, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, सिंगुलर, और वी को हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पॉजेसिव माई होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ये आवर होता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि अस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अस का ऑब्जेक्ट तो अस ही होता है, लेकिन अस का सब्जेक्ट वी होता है। अस का पॉजेसिव आवर, वी का पॉजेसिव आवर, यानी ये तीनों का जो रूप है वही रहेगा। वी हम आई मी माई, यानी आई सब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट माई पॉजेसिव, यानी जो पॉजेसिव होता है वह इनके साथ अपना के अर्थ में लगता है कि, ठीक है, मैं अपना किताब लिया तो आई आया, तो वहां पे माई बुक हो गया। ठीक है, हम अपना किताब पढ़ते, हम आया है, तो उधर अपना का आवर हो गया, तो ये पॉजेसिव। यू क्या है, यू का सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू, पॉजेसिव भी यू, नहीं योर। अब थर्ड पर्सन में चार होते हैं, थर्ड पर्सन में क्या होते हैं चार, इसकी लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है ना इसमें, लो। अब यहां पे ही आता है, शी आता है, इट आता है और दे आता है। इनके अलावा जितने नाम आते हैं, चाहे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जितने नाम आते हैं सब थर्ड पर्सन में होते हैं। ही क्या होता है, ये सिंगुलर होता है और मेल के लिए लगाया जाता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। सी भी सिंगुलर होता है लेकिन फेमिनाइन जेंडर, यानी स्त्री के लिए। इट भी सिंगुलर होता है, यानी ये न्यूटर, जानवर, पक्षी सबके लिए इट का यूज करते हैं। ठीक है, दे इन सबका प्लूरल होता है और ये सबके लिए यूज किया जाता है दे। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और पॉजेसिव होता है हिज। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, पॉजेसिव भी होता है हर। अगर इसके साथ कोई नाउन आता है तो पॉजेसिव कहलाएगा, नाउन नहीं अगर ऑब्जेक्ट होगा। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है लेकिन पॉजेसिव इट्स हो जाता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और पॉजेसिव इसका दियर हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर अगर राम आए तो वह किस, कौन सा पर्सन होगा। मैंने कहा आई वी यू को छोड़ के जो कुछ आए थर्ड पर्सन होता है। अब राम आए तो राम के लिए हम ही, क्योंकि वो पुरुष और सिंगुलर है तो ही समझेंगे, कि राम के नाम दोबारा हम नहीं लेना चाहते हैं तो वहां पे हम ही लिख देंगे। अगर ऐसे ही श्याम है तो भी ही लिख देंगे, लेकिन वहीं पर गीता, सीता, रीता आ जाए तो आप क्या हो गए, वो स्त्रियों के नाम है और सिंगुलर है तो हम उसको सी मानेंगे, गीता की जगह हम सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नाम नहीं लिखना चाहते, क्यों, जब होता है सब कई बार एक ही शब्द से इरिटेशन तो हम वहां पे क्या, हम नहीं करते हैं रिपीटेशन, और हम आपको दे रहे एक सजेशन कि आप वहां पे यूज कर लो एक प्रोनाउन। ठीक है, अब यहां पे आप वही करोगे, इट अगर कोई स्त्री पुरुष को छोड़कर अगर कोई भी चीज अगर सिंगुलर, चाहे जानवर, पक्षी, वस्तु, तो उसके लिए हम इट शब्द का प्रयोग करेंगे। शेर आया तो शेर के लिए इट हो गया, गौरैया आया तो गौरैया के लिए इट हो गया। ठीक है, अब दे अगर एक से अधिक कोई वस्तु हो गई, चाहे राम एंड श्याम दो लोग हो गए, राम एंड श्याम, उनके लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, दे। अगर राम एंड सीता है तो भी दे, सीता एंड गीता है तो भी दे, यानी कि एक से अधिक कोई भी चीज हुआ तो वहां पे प्रोनाउन हम दे लेंगे, और जब दे मानेंगे तो जो दे का ऑब्जेक्ट होता है वह उनका ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वह उनका भी पॉजेसिव कहलाएगा। अगर ही के साथ अपना की इंग्लिश अगर हम हिज लिखते हैं तो हमें राम के साथ भी अपना की इंग्लिश हिज ही लिखना है, क्योंकि राम की जगह को हम ही लिखते हैं। ओके, तो आई होप आपको कन्फर्म हो गया होगा। तो हम आते हैं दूसरा प्रोनाउन, रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अधिकतर यह जो जिसको जिसे शब्द से इसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी इसका अर्थ निकलता है, जैसे में हु,
हु विच दैट, ये तीनों जो के अर्थ में आ जाते हैं, विच है, विच हो गया, हुम है, हुज है, ठीक है, एज है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इनकी गलती कहां कहां पे होती है सब आपको हम बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम बात कर ले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। वह प्रोनाउन जो प्रश्न पूछता है, कोई भी जितने इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जितने इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, टोटल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन काउंट किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें भी हु आता है, लेकिन जब हु जो के अर्थ में ना होकर कौन के अर्थ में आए, तो वहां पे वही हु जो है इंट्रोगेटिव होता है। अगर जो के अर्थ में आता है तो वही रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो यहां पे आपका हु, ठीक है, हु, व्हाट, व्हिच, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये क्या हो गए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए, इत्यादि जो भी आ जाए। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव को डेफिनिट प्रोनाउन भी कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत वाचक सर्वनाम या डेफिनिट प्रोनाउन, निश्चित सर्वनाम कहते हैं, निश्चित होता है ये, इसमें चार ही आते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। तो वो कौन से प्रोनाउन हुए, देखो जैसे चार ही होता ही है, दिस हो गया, ठीक है, दिस का प्लूरल दिज हो गया, दैट हो गया, दैट का प्लूरल दोज हो गया, ठीक है ना। अगर हमें नजदीक इशारा करना है तो हम दिस और दिज का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर नजदीक में पास में एक वस्तु को कहना है, अरे यह 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 एक आदमी है, यह यह एक आदमी, यह किताब है, तो दिस, ये बहुत अच्छे हैं ये, तो जब नजदीक में एक से अधिक की बात करेंगे तो वहीं पे दिस का प्लूरल दिस हो जाता है। लेकिन जब हमें इशारा दूर करना हो, तो अगर एक व्यक्ति को दूर करना हो इशारा, तो दैट लगाएंगे, एक से अधिक को करना तो दोज लगाएंगे, ये कन्फर्म याद रखना, दिस दैट दिज दोज, तो दिस और दिज पास के लिए और दैट और दोज दूर के लिए। यह के अर्थ में हम दिस और दिज का प्रयोग करते हैं, बस ये देखने की वस्तु को, ये जरूरी नहीं कि वहां पर यह लिखा है तो दिस यूज होगा, लेकिन अगर यह का अर्थ अगर कई लोगों को बता रहा है तो वहां दिज यूज होगा, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर ले, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि निज वाचक सर्वनाम, जिसमें स्वयं का जहां अर्थ निकलता है, खुद, स्वयं या खुद, जिसको स्वयं या खुद का अर्थ, अपने आप का अर्थ निकलता है, तो यह हमेशा बहुत आसान है पहचान, इसी में से अलग करके एक और टाइप बना दिया जाता है, इम्फेसिस प्रोनाउन, ठीक है। तो यहां पे जो स्वयं है, यानी ठीक है, इसमें सेल्फ, इसकी पहचान है, सेल्फ आना, जैसे में माई सेल्फ, इसका प्लूरल जब होगा तो माई सेल्फ जो हो जाता है प्लूरल में, जैसे देम सेल्फ जो होता है, बाकी में सेल्फ होता है, इट सेल्फ, वन सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, जितने सेल्फ वाले होते हैं सब क्या होते हैं, निजवाचक होते हैं, ठीक है, खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन जो अनिश्चित होता है, जिसका पता नहीं चलता है को किसके लिए यूज किया गया है, तो वो प्रोनाउन कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे आ गया हमारा समवन, आ गया एनीवन, आ गया नो वन, आ गया, ठीक है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यह पता नहीं चलता किसने काम किया, समवन है स्टोलेन माय पर्स, किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया है, मेरा पर्स चुरा लिया है, किसने, पता ना किसने, तो वहां पे आपका ये कहलाता अनिश्चित सर्वनाम, यानी पता नहीं है हमें,
ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव की जब बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है विभाग सूचक सर्वनाम, यानी बांटता है, यस कई लोगों में से बंटवारा कर देता है, अलग अलग कर देता है, जिसे कहता है प्रत्येक, कोई एक, कोई नहीं, इस तरीके की बात करता है, यानी कई लोगों में से बांटने की काम करता है, वही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें आता है हमारा एज, ठीक है, हमारा आता है आइदर, एवरी भी होता है, नाइदर, ठीक है, ये आते हैं आपके। अब हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम, जो एक दूसरे के अर्थ में, वो एक दूसरे से झगड़ा करते, वो आपस में झगड़ा करते, आपस में, और एक दूसरे की अंग्रेजी होती है क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो में जो आते हैं वो होता है ईच अदर, ये दो लोगों के बीच का, जब आप बीच में या आपस में एक दूसरे का अर्थ हो तो ईच अदर, और दो से अधिक की बात हो तो वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं, वन एंड अदर, इन सब का अर्थ होता है एक दूसरे से या आपस में, एक दूसरे से या आपस में। तो ये तो रहे प्रोनाउन के प्रकार, कौन सा प्रोनाउन किस में आता है ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। अब हम चलते हैं रूल की तरफ, ठीक है, अब रूल क्या हमारा कहता है इसको हम कन्फर्म करेंगे, ठीक है बच्चा। रूल्स ऑफ प्रोनाउन, जिसकी था इंतजार आपको, एकदम वही टॉपिक अब मैं लेकर आ गया हूं, देखिएगा, ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोनाउन। अब पहला रूल याद रखिएगा कि कभी भी चाहे इंग्लिश में कुछ भी यूज करिएगा, उसके साथ जो उसकी क्रिया होती है ना, यानी जो वर्ब होता है, हमेशा उसके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी कौन सा सब्जेक्ट, जो नाउन को मॉडिफाई करता हो, जो नाउन हो उस नाउन के अकॉर्डिंग उसका वर्ब यूज किया जाता, उसी नाउन के अकॉर्डिंग बाद वाला प्रोनाउन भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो रूल वन कहता है कि किसी भी प्रोनाउन का पर्सन जेंडर, नंबर, किसी भी प्रोनाउन का पर्सन हो, चाहे जेंडर हो, चाहे नंबर हो, अपने अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार आता है, नाउन के अनुसार आता है, याद रखना प्रोनाउन की बात हो रही है। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, पर्सनल से लेकर रेसिप्रोकल तक आपने पढ़ा, ठीक है, उनके बारे में हमें जानना है। देखिएगा, हम इनकोरेक्ट लिख रहे हैं, इनकोरेक्ट आपको करेक्ट करना है, ठीक है। मैंने लिखा कि एवरी बॉय शुड ओबे डियर पेरेंट्स, यहां पे आपको करेक्शन करने को आएगा कि यहां करेक्शन करिए, गलती क्या है, इनकोरेक्ट को हम कोरेक्ट बनाना है हमको। अब देखो यहां लिखा है कि एवरी बॉय शुड ओबे दियर पेरेंट्स, आपने पढ़ा कि अगर कोई प्रोनाउन यूज किया गया है सेंटेंस में तो अपने आने वाले, यहां जो आप देख रहे हो कि एवरी, तो जो शब्द नाउन के पहले यूज किया जाता है वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो ये तो रहा, अब बॉय हमारा नाउन है, जिसको हम बुलाते हैं वो नाउन है, बॉय नाउन हो गया। प्रोनाउन कहां है खोज लेते हैं, डियर, देखिए आया था आपका पॉजेसिव केस, यानी पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन में दे का पॉजेसिव डियर होता है। अब आप हमें बताओ, जो ये डियर है कि हर लड़के को
अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। तो ये हमने कहा जो डियर है ये किसके अनुसार आया होगा, जो इसके पहले नाउन, नाउन कौन सा है, बॉय है। ठीक, अब बॉय का पर्सन बताओ कौन सा है, थर्ड पर्सन है। ठीक, जेंडर कौन सा है, मैस्कुलिन जेंडर है। नंबर कौन सा है, सिंगुलर नंबर। तो आप हमें बताओ थर्ड पर्सन में चार ही होता है, ही सी इट दे, उसमें सिंगुलर और मैस्कुलिन जेंडर कौन होता है, ही होता है। और ही का जो यानी बॉय है तो ये ही मानेंगे हम यहां पे, क्योंकि इसका नंबर उसी को शो कर रहा है सिंगुलर को, तो सिंगुलर और मैस्कुलिन वो ही होता है। तो जो इस ही का पॉजेसिव होता है वही बॉय के लिए भी लगेगा। तो यहां डियर लिखा गया, लेकिन होना क्या चाहिए, अगर बॉय के अनुसार देखिए तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे हीज होना चाहिए। अगर यहां एवरी नहीं और यहां पे बॉयज लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में चला जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा लेकिन प्लूरल नंबर होगा। और किसी का भी प्लूरल दे होता है तब दे का डियर यहां पे सही माना जाएगा। तो अब इसको हम करेक्ट कर देते हैं कि एवरी बॉय, बॉय के अकॉर्डिंग वहां प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, शुड, समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, वहां सर एकदम समझ में आ गया है। ठीक है ना, ठीक है ना, देख लीजिए। अब अगले बढ़ते हैं, देखिएगा रूल टू क्या कह रहा है। रूल टू कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों और उनके पहले, और उनके पहले, और उनके पहले ईच या एवरी आया हो, ईच या एवरी आया हो, ईच या एवरी आया हो तो जुड़े, ईच और एवरी आया हो तो प्रोनाउन वह वर्ब सिंगुलर होता है, इसका एक आया है एक साल, वो एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एक एग्जाम में आया है एवरी वन एवरी टीचर। देखिए एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वर बीजी इन दियर वर्क। अब इसको हमें ये इनकोरेक्ट लिखा है, हमको इसको करेक्ट करना है, यहां गलती कहां पे है वही खोजनी हमें। ठीक है, एवरी वन एवरी टीचर वर बीजी इन दियर वर्क, तो अब हम यहां क्या देख रहे हैं कि एवरी वन एवरी टीचर वर बीजी इन दियर वर्क। अब हमने कहा कि यदि दो नाउन सिंगुलर हो तो हम देख रहे हैं बॉय आया है और टीचर सिंगुलर है और वह एंड से जुड़ा हो, ठीक, एक कंडीशन।
और उनके पहले ईच दिखे या एवरी दिखे, हाँ तो दिख रहा है, दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े और इनके पहले एवरी आया है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहां वर्ब वर आया है तो यहां क्या होना चाहिए सिंगुलर वर्ब का, वाज होगा। और उसके बाद जो प्रोनाउन आए वो भी सिंगुलर होना चाहिए, तो बॉय के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो यहां डियर न होके पॉजिटिव इज होगा। तो यहां पे आप इसको करेक्ट कर जाओगे, क्या लिखोगे कि एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क। ठीक है, अब हम आगे आते अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या कहता है कि यदि दो नाउन आर आर आइदर आर नाइदर नॉर से जुड़े हों तो प्रोनाउन वह वर्ब बाद वाले नाउन के अनुसार होता है। इसका करेक्ट सीधे लिख दे रहे हैं हम, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, आइदर ही आर हिज सिस्टर सिस्टर हैज स्टोलेन हिज पर्स। ध्यान देना, अब यहां देख रहे हो ही और हिज सिस्टर दो नाउन या दो प्रोनाउन क्या हो, यदि दो नाउन या दो प्रोनाउन आइदर आर या नाइदर नार या आर से जुड़ा हो, तो यहां हम देख रहे हैं आइदर और आर से जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो बाद वाला नाउन, अगर ये दोनों सिंगुलर तो बाद वाला भी सिंगुलर ही कहा जाएगा, तो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो यहां वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर ये बाद वाला नाउन अगर प्लूरल है यही सिस्टर्स रहता है यहां हैव होता तो बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा, और जो उसके साथ प्रोनाउन आएगा वह बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही यूज किया जाएगा। यहां सिस्टर्स रहता तो डियर हो जाता, लेकिन यहां सिस्टर है तो सिंगुलर यहां पे हिज ही हो गया, हम हर ही यूज कर सकते हैं, मतलब सिंगुलर ही होना चाहिएगा, ठीक है ना। तो ये उसके पर्स को जुड़ा जरूर, तो सिस्टर के अकॉर्डिंग नहीं लगा है, याद रखिएगा ये दूसरे को कहा गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखिएगा यदि तीनों पर्सन एक साथ आए तो उन्हें 231 के क्रम में रखते हैं
231 के क्रम में रखते हैं, क्रम में रखते हैं। ओके, देखिएगा। और वर्ब इन के साथ अगर प्रोनाउन अधिक आता है तो जायज सी बात प्लूरल वर्ब यूज होगा। 231 के क्रम में रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम इनकरेक्ट लिखते हैं ही आई एंड यू वाज फास्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां इनकोरेक्ट है, ये करेक्ट कैसे किया जाएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ही क्या है, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, मैंने भी पढ़ाया है, अभी जिनको देखना हो पीछे जाके एक बार देख ले। ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। अब इनमें गलती जब तीन पर्सन आपके सामने एक साथ दिखे तो आपको करना क्या है, तुरंत उसको 231 का मतलब क्या है, पहले सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। अगर दो आता है तो भी क्रम वही रखो कि पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। समझ में आया, तो वही आप करोगे। तो आपका सेकेंड पर्सन पहले यू आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन ही आना चाहिए, अब उसके बाद हो गया एंड आई। लेकिन ये दो से अधिक है, वर प्लूरल होगा, वर फास्ट फ्रेंड मतलब क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, फास्ट फ्रेंड्स। ओके, अब हो गया। अब आते अगले रूल पे, यदि प्रोनाउन इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, यदि प्रोनाउन वन आया है तो अंत तक, तो अंत तक वन ही रहना चाहिए, वन ही रहना चाहिए, वन ही रहना चाहिए। जैसे इनकोरेक्ट एग्जाम में बहुत आया है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब देखो यहां प्रोनाउन सब्जेक्ट वन आया, लेकिन इसके साथ पॉजिटिव हिज यूज किया गया है जो गलत है, यानी कि वहां वन से उसी वन के रूप में ही पॉजिटिव बनाना होगा। तो वन के रूप में अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो आप सबको मालूम है कि फर्स्ट ट्रॉफी यस तब लगा दें जब इसका नहीं है पॉजिटिव, तो वंस ड्यूटी, ये सही हुआ आपका, ठीक है। एक रूल आपका और है, और आप क्या लिख सकते हो, जो के अर्थ वाले, ठीक है। आप जानते हो रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जो के अर्थ में रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग मनुष्यों के लिए जबकि विच का प्रयोग जो के अर्थ में अन्य के लिए करते हैं, ठीक है ना। क्या आप देखो, हु का अर्थ भी जो होता है, विच का अर्थ भी जो होता है, लेकिन हु जो है आपका केवल मनुष्य के लिए ही लगेगा, विच का प्रयोग जो के अर्थ में जानवर, पक्षी, किसी वस्तु सबके लिए लगेगा, ये बात याद रखना। आई सा अ डॉग, ठीक है, मैंने कुत्ते को देखा जो सड़क पे लेटा हुआ था, बताओ जो का वहां पे क्या इंग्लिश लगेगी, हु लगेगा कि विच लगेगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने एक आदमी को देखा, ठीक है, जो, अब बताओ यहां पे जो की अंग्रेजी हु लगेगी कि विच लगेगा, ऐसा ही आप एकदम करेक्ट करके आप कमेंट में जरूर लिखोगे, सर मैन के लिए ये लगेगा, डॉग के लिए ये लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब बाकी अब सुन लो,
अगर आप चाहते हो इसका पूरा इनकरेक्ट का करेक्ट किया हुआ एग्जाम में आया हुआ अगर आपको प्रैक्टिस सेट अगर चाहिए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे शुभम क्लासेस के 100 बैच से जुड़िए। मात्र 799 रुपए में आपको पूरे सब्जेक्ट के एग्जाम बेस्ड जो इतने नोट्स हैं आपके क्वेश्चन आंसर हुए, ठीक है, पूरे रूल के साथ प्रैक्टिस, यानी आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, और अगर जो हमारे द्वारा खुद बनाया गया है, और यदि आप ऐसा करते तो आप तैयार हो जाओ कि आपका 95 प्लस आएगा। अगर इतना करते हो तो जुड़िए, जितना जल्दी हो सके, समय आपके पास नहीं है मेरे बच्चों। और मैं यही कहूंगा कि अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो अब इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक करना नहीं भूलना है आपको, और ये भी जिसने हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले, वो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। तब तक के लिए गुड लक।